राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक आज राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके से शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की, साथ ही ज्ञापन सौंपकर स्थानीय कुलपति की नियुक्ति की मांग की है। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वही शिक्षक संघ की मांग बताते हुए शिक्षक संघ के महासचिव गजेंद्र चंद्राकर ने कहा कि हम लोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ और छात्र संघ, स्टूडेंट्स और अलग अलग संगठन के लोग यहां पर आए हैं। यह मांग सर्वविदित है और मीडिया के द्वारा और समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो कुलपति चयन की प्रक्रिया है वो लगातार टलते जा रही है, और एक अन्य विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से बाहर के कुलपति को, ऐसा नहीं कि योग्यता पे कोई मापदंड हो या बाहर या अन्य प्रदेश की बात करें, ऐसा नहीं है, यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं या कैंडिडेट हैं या डीन डायरेक्टर से उनसे कोई बेहतर कोई व्यक्ति को ला रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या इस देश में 74 विश्वविद्यालय में 69 विश्वविद्यालय में यदि स्थानीय कुलपति है तो छत्तीसगढ़ का जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ यहाँ स्थापना हुए आज 30 बरस से अधिक हो गया है, आज तक स्थानीय विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए हम तरस रहे हैं। उसी मांग से अवगत कराने के लिए महामहिम जी के पास आए थे, और दुर्भाग्य की बात है ये है कि हम लोग के लगातार प्रयास करने से हमको मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग अपनी बात को जहाँ पे रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को जहाँ पे अवगत कराना चाहिए, वहाँ पर हमको समय नहीं मिल पाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा रोक दिया जाता है, विधिवत आवेदन और पावती रखने के बाद भी हमको इतने दिन से समय नहीं मिल रहा है। तो हमको ये लगता है कि हमारा जो कुलाधिपति है, विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति है, वो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से या विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ से मिलने का समय क्यों नहीं दे रहे, ये हमारे भी समझ से परे है। आगे जो रणनीति सार्वजनिक रूप से जो तय की जाएगी कृषि छात्रों के द्वारा और कृषि के जो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के द्वारा, आगे हम काली पट्टी लगा के विरोध करेंगे, और यदि बाहर के व्यक्ति को बनाते भी हैं तो असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी हम लोग आंदोलन करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के गेट में ताला लगाएंगे, एक दिन बंद रखेंगे, ऐसा अलग अलग हमारी रणनीति है जिसको समय आने पर हम लोग उस पर आगे स्टेप लेंगे। उस पर